हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने स्मॉल कैप कैटेगरी के एक ऐसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूं जिसने पिछले 10 साल में अगर हम एवरेज कर दें तो 26% के CAGR के हिसाब से किसी भी स्मॉल कैप कैटेगरी से सबसे बेहतरीन रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। 26% का CAGR पिछले 10 सालों में, तो ये आपको देख के लग रहा होगा कि क्या ज़बरदस्त यहाँ पर तेज़ी दिख रही है। 5 साल में 30% का CAGR, 3 साल में 35% का CAGR, 1 साल में 56% का CAGR इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। और देखिए किस तरीके से इस म्यूचुअल फंड ने धीरे धीरे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न कंसिस्टेंसी के साथ बनाते हुए देखने को मिल रहा है। वैल्यू रिसर्च ने बात करेंगे, 4 out of 5 इस म्यूचुअल फंड को रेट कर रखा है। स्मॉल कैप कैटेगरी में इसको तीसरा स्थान दिया गया है। समीर राज साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, और यकीन मानो समीर राज साहब ने किसी भी बेहतरीन फंड मैनेजर से अच्छा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड के अंदर डिलीवर करके दिया है। 3 महीने के अंदर बात करेंगे तो 3.80% का पॉजिटिव रिटर्न है, जबकि स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में पिछले 3 महीने में बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा करेक्शन आते हुए देखने को मिल रहा है। पर फिर भी इस AMC के इस फंड ने 3 महीने में पॉजिटिविटी दिखाई है अपनी। 6 महीने में 17% का, 1 साल में 56% का, 3 साल में पैसे को 1.5 गुना कर दिया, 5 साल में पैसे को 2.5 गुना कर दिया, 10 साल में पैसे को 1000% का रिटर्न इन्होंने पिछले 10 सालों में बना के दिया है। यही बात करेंगे तो पिछले, अगर मैं बात करूं 3 महीने के करेक्शन से पहले ये 1300-1400% का था और अभी फ़िलहाल 1086% का बचा। इस पार्ट से आपको ये शिक्षा मिलती, करीब करीब 300% का क्रैश यहाँ पर आपको देखने को मिला है। यही होता है कि एवरेजिंग जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में, इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय म्यूचुअल फंड के अंदर देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप समय दोगे उतना अच्छा आप रिटर्न कमा के ले जा पाओगे। नो मैटर व्हाट कि आपकी पैसा कितना लगा हुआ है, 1000 रुपये लगा हुआ है, 10000 रुपये लगा हुआ है, 1 लाख रुपये लगा हुआ है, आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ केवल 1000 रुपये की भी SIP अगर किसी म्यूचुअल फंड के अंदर करते हो, और अगर आपने 20 से 25 साल किसी म्यूचुअल फंड को टाइम दे दिया है, तो आप उतना ही रिटर्न जनरेट कर सकते हो जिस बंदे ने स्टार्टिंग में आपके साथ ही 1 लाख रुपये लगाया हो। क्योंकि जिसने 1 लाख रुपये लगाया वो पता लगा 3-4 साल में एग्जिट हो गया, आप 1000 रुपये के साथ 25 साल तक टिके हुए हो तो आप ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना के ले जा पाओगे। शेयर मार्केट पर टिकना बड़ा काम है, मार्केट आपको टिकने नहीं देता है। अभी बात कर लें तो इसराइल और ईरान के बीच में जो झड़प देखने को मिली, वहाँ से भी इन्वेस्टर्स का थोड़ा बहुत भरोसा और रुझान विस्तृत डायरेक्शन में जाते हुए देखने को मिल रहा है। पर मैं जितना भी आज लोग यहाँ पर वीडियो सुन रहे हैं मेरे भाई, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए इसराइल और रूस के बीच में जो कुछ भी देखने, इसराइल और ईरान के बीच में जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, आपको डरना नहीं है। या रसिया यूक्रेन में जो कुछ चल रहा है भाई, 250 से ज़्यादा कंट्रियाँ हैं विश्व के अंदर, हर साल किसी ना किसी कंट्री का, किसी ना किसी कंट्री के साथ उठना बैठना लगा रहेगा। आपने क्या करना है, आपने केवल मार्केट की गिरावट को एक पॉजिटिव वे में लेना है। मतलब ये कि आपको थोड़ा थोड़ा पैसा हर गिरावट पे डाल देना है। आज ही की, अगर मैं कल की बात करूँ तो कल भी मार्केट बहुत तगड़ा गिरा शाम टाइम 1-1.5 बजे के बाद। लोग कह रहे हैं कि इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने आके ये बोल दिया, वो बोल दिया, अबे भाई बोलने दो। आपको अगर मार्केट में गिरावट देखने को मिली, सिंपल है, पैसा डाल दो। जिस दिन मार्केट पॉजिटिव आ जाए, सिंपल है, अपने पैसे को बैंक में सेव करके रखो। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मार्केट की हर गिरावट को आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में जाके आपको ये भी लगेगा कि मैंने जहाँ भी इन्वेस्टमेंट किया कभी मैंने निगेटिव में अपना रिटर्न को नहीं देखा। ठीक है, रिस्क किसी भी म्यूचुअल फंड में आपका वेरिया ही रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा शेयर मार्केट में ही रहता है। तो आपको पता होगा कि शेयर मार्केट में कोई कभी भी आके कुछ भी बोल जाएगा और मार्केट गिर जाएगा। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे, 45,749 करोड़ का बहुत बड़ा असेट साइज है। अब देखिए इतना बड़ा असेट साइज हो चुका है, अभी सभी ने पिछले कुछ महीने पहले एक स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट लगाई थी जिसकी वजह से भी मार्केट गिरा। अभी स्ट्रेस टेस्ट के बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेस टेस्ट क्या था, एक टेस्ट किया गया था सभी स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स पे, कि अगर सभी पूरा विश्व अगर किसी म्यूचुअल फंड से एक साथ पैसा विड्रॉ करने लग जाए तो क्या आप उसको कितने दिन में दे पाओगे। तो सबसे अच्छी जो स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट थी, दो ही म्यूचुअल फंड ने इसको बीट किया था। पहला था क्वांट के स्मॉल कैप ने और दूसरा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने। अच्छा बताया था कि हम जल्दी से जल्दी सारा पैसा विड्रॉ करके निकाल पाएंगे। पर देखिए इस म्यूचुअल फंड के पास कितना पैसा है, 45,746 करोड़। अगर सोच के देखो एक ही टाइम पे ये 45,749 करोड़ रुपए विड्रॉ करने पे आ गए, तो क्या ये पॉसिबल है कि इतना रुपए एक साथ निकल जाए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी शेयर पे जाके ये सर्किट लग जाएगा, और सर्किट के केस में आपको पता होगा कि शेयर आपको जल्दी मिलता नहीं है।
तो उस केस में क्या होगा, तो ये स्ट्रेस टेस्ट की जो रिपोर्ट थी एक टाइप से अगर मैं सेबी की बात करूँ तो वो फेलियर था, पर फिर भी क्या होता है कि नोटबंदी से कुछ लोग कहेंगे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर भी करना ज़रूरी था क्योंकि जो चोर होते हैं उनके लिए एक कम से कम ये तो आहट उनके हो जाए कि भाई कोई दरवाज़ा खटखटा ना दे। तो ये चीज़ें आपको पॉजिटिव वे में लेनी चाहिए। स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट आई, इन सब म्यूचुअल फंड ने बताया उसको, कम से कम आज का जो एएमसी गलत तरीके से पैसे ले रही होंगी या जिनका इंटेंशन गलत होगा, आपको तो नहीं पता किसी एएमसी का इंटेंशन गलत है किसी एएमसी का इंटेंशन सही है, जिस एएमसी का इंटेंशन गलत होगा वो डेफिनेटली सचेत हो गई होगी कि नहीं भाई गलत करेंगे तो कुछ गलत हो सकता है। तो इस वजह से चीज़ें ज़रूरी हैं ये सब होना। वहीं अगर इस एएमसी की बात करें तो केवल 0.66% का एक्सपेंस रेशियो इस फंड को ये दर्शाता है कि भाई साहब पैसा चार्ज कम करेंगे इन्वेस्टर का, पैसे को अच्छे से मैनेज करेंगे, जिसकी वजह से इनका असेट साइज भी बढ़ रहा है और फंड की क्वालिटी तो आप ऊपर देख ही चुके हो, 3.72% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, एक साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो इस केस में अलग से 1% का आपसे एग्जिट लोड आएगा। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर पैसा लगा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ किन किन सेक्टर्स के अंदर पैसा लगा हुआ है, तो देखिए कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स, केमिकल, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मेटल्स एंड माइनिंग, टेक्सटाइल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कुछ डाइवर्सिफाइड में, कम्युनिकेशन, एनर्जी और इंश्योरेंस। बहुत सारे इन्वेस्टर थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड्स आजकल पसंद कर रहे हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इनोवेशन फंड हो गया, आईटी हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ एनर्जी हो गया। मेरा ऐसा मानना रहता है कभी भी आपको थीम बेस्ड कैटेगरी में म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं डालने चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रुकने वाले हो तो थीम आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही एक थीम चलेगी। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने एनर्जी थीम चुन रहे हो तो क्या फ़ायदा चुनने से, जबकि इस फंड का या किसी भी जब एक डाइवर्सीफाई फंड लेते हो जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, तो ऑलरेडी वो लोग थोड़ा थोड़ा पोर्शन हर सेक्टर के अंदर डिप्लॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर सपोज दैट इस साल एनर्जी नहीं चल रही है तो हो सकता है कम्युनिकेशन चल जाए, कम्युनिकेशन नहीं चल रही तो हो सकता है इंश्योरेंस चल जाए। तो इसकी वजह से आपको थीम बेस्ड कैटेगरी से हमेशा हमेशा अच्छा रिटर्न आपको स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, इनमें आपको बेहतरीन रिटर्न और कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न मिलते हुए देखने को मिलेगा। हाँ, इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम देख लें, एनर्जी की थीम देख लो तो बहुत अच्छा रिटर्न, पीएसयू की थीम देख लो बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ आप आज ही लिख के रख लीजिएगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, वोल्टा एमपी ट्रांसफॉर्मर्स, अपार इंडस्ट्रीज, एमसीएक्स, भारत हैवी, बीएचईएल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, करूर वैश्या बैंक, एनआईआईटी, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, इंटरग्लोब एविएशन एलएलसी इंडिया, इलांटास बैक इंडिया, एलएनटी, केपीआईटी, निपॉन इंडिया, लिक्विड, सायंट लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पिछले अगर मैं 3 महीने की बात करूँ तो अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। किर्लोस्कर ब्रदर्स, आइनॉक्स विंड जब से लिस्ट हुआ बहुत ताबड़तोड़ तरीके से इसने भी रिटर्न बना के दिया। एस्ट्रा डीएम, ज्योति लैब, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, डिक्सन टेक्नोलॉजी, अजंता फार्मा, फाइजर, रेटगेन, ईक्लैक्स, रेडिको, बिरला कॉरपोरेशन, तेजस नेटवर्क, टाटा कंज्यूमर, ई मुद्रा एंड लिंडे इंडिया, कल्पतारू प्रोजेक्ट, एओन एक्सचेंज, केपीआर, सेंचुरी टेक्सटाइल, एस्ट्राजेनिका, सीडीएसएल, वर्धमान टेक्सटाइल, बैंक ऑफ बड़ौदा, बलरामपुर चीनी, ये कुछ शेयर्स हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। सारे के सारे शेयर्स अपने आप में एक दिग्गज कंपनीज के तौर पर जाने जाते हैं। क्वांट स्मॉल कैप की बात करेंगे, ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी में नाम टॉपर है और अच्छे तरीके से इस फंड को भी मैनेज किया जा रहा है। एचएसबीसी स्मॉल कैप भी बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एक बार इनके भी रिव्यूज़ आप चेक कर लेना। और निपॉन इंडिया एएमसी की बात करेंगे, 4,35,558 करोड़ का बहुत बड़ा असेट साइज है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप की बात करेंगे तो लार्ज कैप कैटेगरी में सबसे बेहतरीन रिटर्न निपॉन इंडिया के लार्ज कैप ने ही बना के दिया है। टोटल ये 250 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सीज़न आ चुका है, जीएसटी फाइलिंग का भी सीज़न चल रहा है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न या जीएसटी के रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो ये सर्विस आप हमारे द्वारा भी ले सकते हो। हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एडवोकेट्स इन प्रैक्टिस जिनका 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है केवल टैक्सेशन के क्षेत्र में, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो आप एक बार इन नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरी शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।